जी तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बनी मालक से लाइव हूँ, देख लें आप, तो पीछे बिल्डिंग आप देख लें। तो बनी मालक की जो मौजूदा सूरत हाल है, कुछ गलियाँ, कुछ मोहल्ले मैं आपको दिखाऊंगा, इस वक्त तफ्तीश की क्या सूरत हाल है उससे भी आपको अपडेट करूंगा, यानी कि लाइव सीन आपको कुछ दिखाता हूँ मैं बनी मालक से। टाइम के मनाजर हैं जी, देख लें आप, तो बादल भी हैं ऊपर, यहाँ पर तो रश लगा हुआ है, लेकिन जब सही सूरत आएगा तो ये दौड़े लग जाएंगी इधर से। यहाँ की ये सूरत हाल है। ये तो मेन बाज़ार बनी मालक, अच्छा लाहौर पंजाब होटल वाला जो मेन बाज़ार है, जो नीम की दरख्त आपको पता है जी, काफ़ी मशहूर है इधर बनी मालक में, तो वो वाला बाज़ार वो सामने वाला है। मैं इधर उसके साइड पर जो बाज़ार है यहाँ से गुजर रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ये सुबह गालबन 9:30-10 बजे की सूरत हाल है जो मैं अभी आपको दिखा रखा हूँ। इसमें भाई ये है कि आप इस टाइम आपको रश नहीं मिलेगा, इतना भी आवाम तो है लेकिन बहुत कम, गाड़ियाँ मिलेंगी आपको बहुत कम। क्यों भाई, आपको पता है जो मेरे भाई बनी मालक रह चुके हैं या रहते हैं कि यहाँ पर रश होता है जी सुबह फर्स्ट टाइम, और उसके बाद रश होता है यहाँ पर भाई शाम असर के बाद। तो ये मार्केट्स वगैरह हैं ना जो यहाँ पर, या शॉप वगैरह हैं, ये भी उसी टाइम खुलती हैं, फिर तो उसी टाइम ज़्यादा रश होता है, और शाम को मगरब के बाद बहुत रश हो जाता है, क्योंकि सब आवाम जितनी भी यहाँ रहती है भाई, सब की सब लेबर है, जो दिहाड़ी के लिए काम करते हैं, कुछ दुकानों वाले हैं यही हैं, तो ये लोग सुबह फर्स्ट टाइम निकलते हैं दिहाड़ी के लिए, उसके बाद आते हैं जी बाद में शाम को वापस जी। तो अभी दौरियात की गाड़ी खड़ी हुई थी, तो चेकिंग चल रही है अभी, सुबह 9:30-10 बजे ही आप यकीन करें। तो मैंने वीडियो भी इसीलिए वो बैक कैमरे से जो आपको दिखा रहा था बंद की है, क्योंकि वो भाई वीडियो बनाने ही नहीं देते हैं खुद की, तो सख्ती तो चल रही है, अगर आप किसी भी सिलसिले में गैर कानूनी हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल है। तो ये भाई मैं इस वक्त अजीज़िया में घूम रहा हूँ, एक अजीज़िया काम आया था हैपर पांडा में, जो आपके साथ आपको पता है वीडियो शेयर करता हूँ हैपर पांडा की, तो देखना जी। तो यहाँ पर भी शुरतों की गाड़ियाँ घूम रही हैं, सख्ती भाई पूरी सऊदी अरेबिया में हो चुकी है, ख़ासकर साई खास इकामा जिनके एक्सपायर हैं उनके मुतल्लिक़।